दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल बिलाल एनपो। दोस्तों, आज की वीडियो में अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों ने किस तरह एक राड बनाना होगा, डीसी राड, जिससे आप लोग पानी को गर्म कर सकते हो और कुछ ही मिनट में आप लोग गर्म पानी हासिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पर एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर इसको बड़ा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो और एक बड़े साइज़ का राड आप लोग बना सकते हो। अब ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए एक एलिमेंट वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग ये कहाँ से हासिल कर सकते हो और आप लोगों को ये किस तरह आसानी से मिल जाएगा। एलिमेंट वायर आप लोगों ने यूज़ करना है, किसी और वायर को आप लोगों ने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको, ये एक पाइप है पीतल का, मैं इसको इसमें इंस्टॉल करूंगा, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। लेकिन दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने बहुत ही एहतियात करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि ये वायर इस राड के साइड के साथ अटैच ना हो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको इसमें इंस्टॉल करूँ। सबसे पहले मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये राड बहुत यहाँ पर इसमें साइज़ बहुत ही कम है, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँ और ये आपस में अटैच भी ना हो। और दोस्तों, इसके बाद इस एलिमेंट वायर को आप लोगों ने थोड़ा सा पीस, अगर आपका बैटरी बड़ा है तो आप ज़्यादा पीस का बड़ा राड बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटा एक्सपेरिमेंट करूँ, क्योंकि मेरे पास ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि 3 एम्पेयर 12 वोल्ट का है। अगर मेरे पास 10 एम्पेयर होता तो मैं स्प्रिंग का ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर काट लेता, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये 3 एम्पेयर ट्रांसफार्मर है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा मैंने इसके काट लिया और फिर इसके बाद मैंने इसको स्ट्रेट किया, इस स्प्रिंग को, और यहाँ पर दो टर्न यहाँ पर लिए हैं। अब इसको मैंने इस तरह यहाँ पर मोड़ लिया है, यहाँ पर दोस्तों के लिए एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, तो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसमें मैं इस पाइप में इंस्टॉल करूँ। दोस्तों, मैंने बहुत ही कोशिश की कि मैं इसको इस पर इंस्टॉल करूँ, लेकिन जब मैंने इंस्टॉल किया तो जो रिएक्शन मुझे सामने आया, तो इसमें इसके दरमियान में जो लकड़ी मैंने इंस्टॉल की तो वो भी जल गई, तो दरमियान में जो लकड़ी थी वो भी जल गया, और साथ साथ में जो फैसिलिटी थी वो मेरे पास मौजूद नहीं था। तो अब डायरेक्टली मैं इससे पानी गर्म करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये एक एलिमेंट राड है। तो इसका तरीक़ार ये होता है कि इसके दरमियान में आप लोगों ने एक काक का जो स्टिक होता है उसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना होगा, और साथ साथ में आप लोगों ने इसको मिट्टी में इसको प्रेस करना होगा ताकि ये इसके साथ अटैच ना हो। तो फिर बाद में वो मिट्टी गर्म होता है और उसका मिसाल एक पत्थर का होता है, फिर ये इसमें कुछ भी नहीं होता। फिर इसके बाद आप लोग इस राड को यूज़ कर सकते हो पानी गर्म करने के लिए। तो आप बड़ा राड भी बना सकते हो, बहुत पानी को गर्म करने के लिए आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने 12 वोल्ट का जो सेटिंग है वो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया, ये एक एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। आप लोग इसको बड़े सतह पर भी कर सकते हो, मतलब बड़ा राड बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक हीटर बनाया था, ये बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा था। अब ये हमारे पास जो एलिमेंट है वो रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर इसको अपने हाथों से यहाँ पर सेट करूंगा, बाकी आप लोग अगर आप इसको करें तो बहुत ही एहतियात के साथ आप लोगों ने करना होगा। तो चलिए, मैं इसको अब डुबो देता हूँ। ये आप लोगों ने इस तरह रखना है, इसका एक साइड थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए,
क्योंकि ये डायरेक्टली वायर है। तो मैं यहाँ पर अब इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरे 3 मिनट बाद हमारा पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे वायर है और ये हमारा है ट्रांसफार्मर जो कि 3 एम्पीयर 12 वोल्ट का है। और यहाँ पर 3 मिनट में इसने यहाँ पर पानी उबलना स्टार्ट किया है जो कि बिल्कुल प्री अपकास्ट है, मतलब इसका कोई भी खर्चा नहीं है ट्रांसफार्मर का, ये 3 एम्पीयर का है। अगर आप लोग दोस्तों थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट बनाएं और इसको किसी पाइप वगैरह में इंस्टॉल करें तो ज़्यादा पानी गर्म कर सकते हो, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 6 मिनट में आप लोगों को पूरा भर के बाल्टी आप लोगों को मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि आप लोग घर बैठे किस तरह एक राड बना सकते हो एलिमेंट जो कि जिससे आप लोग गर्म पानी हासिल करना चाहते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।